आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी एकदम ढाबा स्टाइल दाल पालक। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स, आप सेम रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप मूंग दाल, 2 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून तुअर दाल ली है। आप मूंग दाल की जगह कोई और दाल भी ले सकते हो जो आप पसंद करते हो। हम मूंग दाल ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैंने मूंग दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। अब हम इन सभी दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। मैंने पानी से धो लिया है। अब हम दाल को आधा घंटा के लिए भिगा देंगे जिससे ये अच्छे से फूल जाएगी। अब हम एक कुकर लेंगे जिसमें ये दाल डाल देंगे। दाल को हमने आधा घंटा पानी में भिगा लिया है। अब हम इसमें 2.5 से 3 कप के करीब पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1 छोटा चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ, साथ ही 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेंगे। हमने दाल भिगाई हुई है तो 1 सीटी में हो जाएगी, अगर नहीं हो तो एक और ले लीजिएगा। यहाँ हमने 2 कप पालक लिया है। पालक को हमने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। इसे मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था। अब हम एक कढ़ाही लेंगे जिसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। घी गरम हो जाने पर हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। 2 पिंच हींग डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। तो इसमें आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा। अब हम इसमें 2 प्याज को बारीक कट करके लेंगे और प्याज को फ्राई करने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। इन्हें हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट करके डालेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल दीजिए। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है, छोटी वाली, ये कम तीखी है। इन्हें भी हम 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सभी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें 2 टमाटर को बारीक कट करके डाल देते हैं और टमाटर के साथ ही मैं यहाँ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन दाल को उबालते टाइम भी हमने नमक ऐड किया है तो नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा। इसे 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 1-1.5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। लगभग 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है। मसालों को हम टमाटर के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता है। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ वरना मसाले जल जाएंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। 5-6 मिनट के लगभग हो गए हैं और घी देखिए अच्छे से सेपरेट हो गया है और हमारे मसाले भी पक गए हैं और टमाटर भी अच्छे से गल गया है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 2 कप पालक लिया है, आप चाहें तो 3 कप ले लीजिए या 1 कप में भी बना सकते हो। पालक को अच्छे से मिक्स कीजिए और जैसे जैसे ये पकेंगे अपने आप ही सिकुड़ते जाएंगे। ये लीजिए पालक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम ढककर इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। पालक बहुत जल्दी पक जाता है, इससे इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा।
हमें 3-4 मिनट के लगभग हो गए हैं और ये देखिए पालक भी हमारा पक चुका है। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दाल के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इधर कुकर में सीटी आ गई थी और हमने कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद इसे खोल लिया है। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो बस अब हम इसे मसाले में ऐड कर देते हैं। दाल और पालक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, पर अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है तो हम गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। मैंने एक साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था उसी कुकर में जिसमें मैंने दाल उबाली थी। मैंने लगभग 1 कप पानी ऐड कर दिया है। आप जितनी गाढ़ी पतली दाल पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए, लेकिन पानी गर्म ही ऐड कीजिएगा। और देखिए दाल और पालक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बस अब हम इसे केवल 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लेंगे, क्योंकि दाल और पालक सभी पके हुए हैं अच्छे से। 2 मिनट और पका लेने से सभी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएंगी। तो ये लीजिए 2 मिनट हमने दाल और पालक को पका लिया है, अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे स्पेशल बनाने के लिए हम इस पर एक तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। घी गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। अब हमने यहाँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये लीजिए लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। इससे मिर्ची जलेगी भी नहीं। और ये लीजिए दाल पर तड़का लगा दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये तड़का लगाने से दाल का जो टेस्ट है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारी दाल पालक बिल्कुल तैयार है। आप ये दाल पालक को बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी, साटे की रोटी, इन किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं इसके साथ बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।